हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। खबर रीमा से हवे, जहां पहले चरण के मतदान खातिर मतदान दल आज रवाना हुई गई हमा, जेकर तैयारी पूरी हो गई है। पहले चरण के मतदान 25 जून का सवेरे 7 बजे से दोपहर की 3 बजे तक हुई। वोट पड़े के बाद वोट की गिनती जहां वोट पड़ा हवे वहीं ठे हुई। रीमा माँ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक ठे पत्रकार वार्ता भय, जेमा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन निर्वाचन संबंधी तैयारी के जानकारी दीन हमा। रीमा माँ कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प आदेश दीन के सिमरिया के गांव हरदुआ से अतरैला मार्ग 24 जून से 30 जुलाई तक बड़े वाहनन खातिर बंद रही। बतावा जात है कि यह रास्ता भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुई कहब है। जनता को संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशासन ने पूरी अच्छी तैयारियां की हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भय में ना आए। किसी प्रकार का कोई भय आपको करता है, भयाक्रांत करता है, तत्काल सूचना दें। किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। हम लोग जहां 25 तारीख को चुनाव होना है उस इलाके का भ्रमण कर रहे हैं। 3 बजे के बाद प्रचार भी बंद हो गया है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और जो एक्साइज के शॉप्स हैं वो बंद हो गए हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी सेक्टर मोबाइल्स हैं, पुलिस मोबाइल्स हैं, जो सेंसिटिव बूथ हैं, उन सभी का दौरा हम लोग कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान दिवस 25 जून का शराब के दुकान 48 घंटा पहले से बंद रही और मतदान दिवस शुष्क दिवस के रूप में घोषित की गब। बात तो अभी तो नहीं हुई। हाँ तो होगा तो देख रहे हो ना। ये तो सही है सर। हाँ। सर आपके आने के बाद से पूरे जिले में नहीं संभव है, तो संभव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दिना के प्रवास में रीमा पहुंचे हमा। श्री शर्मा सिंगरौली से चल के हेलीकॉप्टर से रीमा पहुंचे और इहन श्री शर्मा सिरमौर चौराहा में भाजपा के नगर निगम चुनाव कार्यालय के उद्घाटन करी। प्रदेश पर सुनाई देना चाहिए, ऐसे गजमाला का स्वागत करें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय सांसद जी का, माननीय प्रत्याशी जी का। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे और इस बिंद की धरती पर जी है, और ये जो विकास इस बिंद के अंदर रीवा के अंदर जो हुआ है उसकी आवाज है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी के 45 जो आज पार्षद पद के प्रत्याशी है, लेकिन मित्रों में आज मेरे महापौर और मेरे 45 के 45 पार्षद प्रत्याशियों से कहना चाहता हूं कि आज आप प्रत्याशी के तौर पर यहां पर इस सभा के अंदर बैठे, कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है राजेंद्र जी, 40 नहीं महापौर के साथ 45 के 45 जीत करके आएंगे और हम यहीं पर बैठेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, आप पार्षद बनेंगे। लेकिन पार्षद एक पद है, आप उस वार्ड के जनसेवक बनते हुए जनता की सेवा के लिए उस भूमिका में काम करेंगे। जब पार्षदों की श्रृंखला भी इस रीवा के अंदर जैसे महापौरों की श्रृंखला है, ऐसे पार्षदों की भी श्रृंखला बन करके रीवा की सेवा में। खबर सतना से है भाई, जहां भाजपा के महापौर प्रत्याशी के प्रचार कर रहे पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधी हमा।
वहीं सायराना अंदाज में कहीं जे कांग्रेस के संगे जात है वह बूढ़ जात हव और यहाँ यही होत लाग हव हम तो बुढ़बे करब तो हूँ कल बूढ़ब। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया एक व्यक्ति एक पद। पूरे मध्य प्रदेश में हमने कहीं विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया और विधायक विधायक का काम करे। अब विधायक भी मैं रहूंगा, मेयर भी मैं रहूंगा, कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ और महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। अब महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी की जो इसके संग जाता है वो भी डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बेचारे उनका बन गया कांग्रेस पे जाके तो कहीं के नहीं रहे। उद्धव जी ने तो मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया और अपने बंगले में खुद आ गए ना, खुदा ही मिला ना विशाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कांग्रेस क्या हाल है सर? कमलनाथ जवाब दो। खबर रीमा से है भाई, जहां जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस कप्तान नवनीत भसीन मतदाता से मताधिकार की अपील करीन। हम अपना का बताई दे, हनुमाना, बाऊगंज और नईगढ़ी में काल ही मतदान हुई। आई अपना पंचन का सुनाई थे अधिकारी का कहीं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कल से होने वाले हमारे पंचायत चुनाव में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने सबसे चहेते और सबसे निष्पक्ष, निर्भीक और स्वच्छ व्यक्ति को ही आप अपना मत दें। 25 तारीख को होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए आज जो सेक्टर प्लस मोबाइल है उनके साथ क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और इसके साथ साथ क्षेत्र में विभिन्न गांव में भ्रमण करके वहां पर आम जन से संवाद करके वहां पे ये पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रलोभन तो नहीं दे रहा और इस प्रकार क्षेत्र में विश्वास बहाली के रूप में फ्लैग मार्च और ये भ्रमण सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नईगढ़ी, मऊगंज और हनुमना का चुनाव जो है वो कल 7 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद मतदान केंद्रों पर ही काउंटिंग कराई जाएगी। इन तीनों ब्लॉक के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हमने इस तरह की व्यवस्था बना के रखी है कि किसी को भी अपने मताधिकार में कोई परेशानी नहीं आएगी। खबर सतना से है भाई, जहां जिला में मतदान की तैयारी हो गई। बतावा जाता है कि 3 जनपद उचेहरा, सुहावल और मझगवा में 25 जून का मतदान हुई, जेके खातिर मतदान सामग्री लय के मतदान दल रवाना हुई गई। हम संपर्क करते हैं, सारी पोलिंग पार्टियों से एक निवेदन ये रहेगा क्योंकि सभी लोग लोकल के होते हैं, आप लोग के रिश्तेदार में हो सकते हैं जिस गाँव में आप लोग जा रहे हो, बट रुकना आपके पोलिंग स्टेशन पे ही है। अदरवाइज वो फालतू की शिकायत एलिगेशन होता है, आप करते कुछ भी नहीं हो, फिर भी लोग शिकायत करते हैं कि आपने उनका फेवर किया क्योंकि आप उनके घर पे रुके हुए थे, वैसी कोई भी एक्टिविटी मत करिएगा। खबर शहडोल से है भाई, जहां जिला में ट्रेन के चपेट में आबई से एक ठे रेल अधिकारी की मौत हुई है। घटना अमलाई रेलवे स्टेशन के बताई जाती। बतावा जाता है कि रेल उपखंड में MRM यादवेंद्र सिंह भाटी रेलवे स्टेशन में बने वाली तीसर पाइपलाइन के निरीक्षण करत रहे, तब कटनी बिलासपुर मेमो ट्रेन के चपेट में आई के जैसे उनकर मौत हुई गई। आज खातिर इतने, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे, नमस्कार।